सीआईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है रेडियो बाल पत्रिका रंगोली। रंगोली में आज सुनते हैं कार्यक्रम नई सहस्राब्दी का आगमन। एक दिन की बात है, वीणा के पिता रामेश्वर प्रसाद जी घर के आंगन में समाचार पत्र पढ़ रहे थे। तभी वीणा अपने मित्रों के साथ आई और बोली, बाबूजी, चाचा जी, बाबूजी। अरे वीणा आओ बेटा आओ। चाचा जी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते, आओ। आखिर इधर 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 बैठो, तुम मेरे पास धूप है। जी चाचा जी। और सुरेश तुम इधर बैठो। जी। और वीणा तुम? और मैं बैठती हूँ अपने प्यारे प्यारे बाबूजी के बिल्कुल पास। अरे क्या बात है, आज बाबूजी की बड़ी प्रशंसा की जा रही है। जेब खर्च बढ़वाना है क्या? जेब खर्च नहीं बढ़वाना, बल्कि आपकी जेब हल्की करनी है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। बाबूजी, ये तो आप जानते ही हैं कि सन 1999 अब समाप्त हो रहा है। जानता हूँ। फिर हम लोग नए साल के जश्न की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, और उसके लिए हम करना चाहते हैं एक समारोह, जिसके लिए हम चंदा जमा कर रहे हैं। और शुरुआत आज आपसे हो रही है। तो नए साल के जश्न की तैयारी है। जी हाँ चाचा जी, नए साल के जश्न की तैयारी, यानी के 21वीं सदी के आगमन की तैयारी। और चाचा जी, 21वीं सदी शुरू हो रही है 1 जनवरी सन 2000 से। अरे भाई, 21वीं सदी 1 जनवरी सन 2000 को शुरू नहीं हो रही है। हाँ? तो कब शुरू हो रही है 21वीं सदी? 21वीं सदी शुरू होगी 1 जनवरी सन 2001 से। क्या? अच्छा? और इसी दिन शुरू होगी नई सहस्राब्दी। सहस्राब्दी समझते हो ना? जी चाचा जी, सहस्राब्दी यानी मिलेनियम। यानी सन 2000 के बाद तीसरी सहस्राब्दी की शुरुआत होगी, उसी को नए मिलेनियम की शुरुआत कहा जा रहा है, क्यों बाबूजी? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। लेकिन चाचा जी, आप तो कह रहे थे कि नई सहस्राब्दी की शुरुआत होगी 1 जनवरी सन 2001 से। मगर वो कैसे? वो कैसे का भी जवाब देता हूँ। पहले ये बताओ, आज जो कैलेंडर हम इस्तेमाल में लाते हैं वो कौन सा है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। जी हाँ, ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर क्यों कहा जाता है बताओ? ये कब से प्रचलन में है? जहाँ तक मैंने पढ़ा है चाचा जी, प्राचीन रोम के 13वें पोप ग्रेगोरी ने सन 1582 में, हाँ 1582 में इस कैलेंडर की रचना की। हाँ ये सच है, लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि सन 1582 से पहले कैलेंडर था ही नहीं? नहीं बाबूजी, कैलेंडर तो था, मैंने पढ़ा है। हाँ, जूलियन कैलेंडर। हाँ ठीक कहा, जूलियन कैलेंडर। दरअसल जूलियन कैलेंडर में दोष था, इसलिए। इसलिए क्या बाबूजी? इसलिए 16वीं शताब्दी में पोप ग्रेगोरी और कुछ वैज्ञानिकों की समिति ने मिलकर इस दोष को ठीक करते हुए एक नए कैलेंडर का निर्माण किया, जिसे आज तक हम प्रयोग में लाते हैं। अच्छा बाबूजी, अभी तक आपने ये नहीं बताया कि कैसे 1 जनवरी सन 2001 से नई सहस्राब्दी की शुरुआत होगी। हाँ चाचा जी। बताता हूँ बच्चों, वास्तव में जब सन 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर की रचना हुई, तभी से काल की नियमबद्ध गिनती शुरू हुई। अच्छा। इस गिनती में ईसवी सन का आरंभ 1 जनवरी सन 0000 से नहीं, बल्कि 1 जनवरी सन 0001 से माना गया। अच्छा अच्छा। इस हिसाब से इस सहस्राब्दी का अंत होगा 31 दिसंबर सन 2000 को। जी। और नई सहस्राब्दी की शुरुआत होगी 1 जनवरी सन 2001 से। बाबूजी,
अपनी बात खोलकर समझाइए। हाँ चाचा जी। अरे भाई, वो तुमने सुप्रसिद्ध खगोल शास्त्री प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकल का नाम सुना है ना? हाँ जी बाबू जी। अच्छा, उन्होंने इस बात को जिस तरह से समझाया है, मैं भी उसी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ठीक है चाचा जी। ठीक है, तो सुनो, मान लो तुम्हारे पास 21 रुपए के 2100 पैसे हो और तुम्हें कहा जाए कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के पहले वर्ष से लेकर 21वीं सदी के आखिरी वर्ष तक जी एक एक पैसा गुल्लक में डालते जाओ, तो सन 1999 तक 20वें रुपए में से एक पैसा बच जाएगा। बच जाएगा कि नहीं? बाबूजी, आपने कहा कि मान लो हमारे पास 21 रुपए हों, यानी 2100 पैसे। बिल्कुल ठीक। फिर आपने ये कहा कि ये 2100 पैसे ग्रिगोरियन कैलेंडर के पहले वर्ष से हर वर्ष एक एक पैसा हम गुल्लक में डालें, तो अब तक हमने डाले 1999 पैसे। बिल्कुल ठीक। और सन 2000 में हम डालेंगे 20वें रुपए का आखिरी पैसा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और इस प्रकार 21वें रुपए के पहले पैसे की बारी कब आएगी? सन 2001 में। शाबाश शाबाश बच्चों। तो इस तरह से अब बताओ कि नई सहस्राब्दी की शुरुआत कब होगी? 1 जनवरी सन 2001 में। ठीक, बिल्कुल ठीक। चाचा जी, आपकी बातचीत से ये बात साफ हो गई है कि नई सहस्राब्दी की शुरुआत होगी 1 जनवरी सन 2001 से। बिल्कुल बिल्कुल। अरे हाँ बिना, मैं तो भूली गया बातों बातों में। तुमने बाबूजी को बताया कि नहीं कि नई सहस्राब्दी के स्वागत में तुमने एक कविता भी लिखी है? हाँ बाबूजी, मैंने एक कविता भी लिखी है। वाह, अरे भाई कवित्री जी, तू किस बात की दे रहे, सुनाओ ना कविता। हाँ बाबूजी, कविता है, देखो अंत हो रहा है 20वीं शताब्दी का, देखो अंत हो रहा है 20वीं शताब्दी का, देखो द्वार खुल रहा है नई सहस्राब्दी का, स्वागत है स्वागत है नई सहस्राब्दी का, स्वागत है अब तक जो अनागत है उस नई सहस्राब्दी का, स्वागत है स्वागत है स्वागत है नई सहस्राब्दी का, स्वागत है नई सहस्राब्दी का, स्वागत है नई सहस्राब्दी का, स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है। दोस्तों, अंत में आपसे एक अनुरोध, आप बताइए कि क्या भारतीय कैलेंडर के हिसाब से यानी राष्ट्रीय शक संवत एवं विक्रम संवत कैलेंडरों के आधार पर तीसरी सहस्राब्दी की शुरुआत हो चुकी है या नहीं? आप सोचिए। चलिए हम आपको बता देते हैं कि दिसंबर सन 1999 में राष्ट्रीय शक संवत वर्ष 1921 है और विक्रम संवत वर्ष 2056 है। अब बताइए कि भारतीय कैलेंडरों के हिसाब से तीसरी सहस्राब्दी शुरू हो चुकी है या नहीं? आप अन्य भारतीय कैलेंडरों की वर्तमान तिथि भी पता कीजिए और देखिए कि उन कैलेंडरों में तीसरी सहस्राब्दी शुरू हो चुकी है या नहीं, या तीसरी सहस्राब्दी में अभी कितने वर्ष शेष हैं? नई सहस्राब्दी का आगमन। अभी आप सुन रहे थे रंगोली बाल पत्रिका के अंतर्गत CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम। विषय परिकल्पना प्रोफेसर PK भट्टाचार्य, कार्यक्रम संचालन निर्माण परामर्श एवं आलेख प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार
जैमिनी कुमार, राष्ट्रीय त्रिवेदी, सुषमा कौशिक, आशीष बख्शी तथा प्रवीण शर्मा। ध्वनि अंकन सतीश लाडे। निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।